नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, प्यास बुझाने के लिए पानी कितना जरूरी है ये हम बाखूबी जानते हैं। पानी के बिना क्या कभी आपने अपनी लाइफ इमेजिन की है? बस पानी अगर प्यास लगी है और मिल जाए तो फिर कुछ भी अमृत से कम नहीं लगता। यानी कि पानी सिर्फ आपकी पानी ही प्यास बुझा सकता है, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, कुछ भी पी लें, कोई ड्रिंक पी लें, लेकिन पानी के सिवा आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी पीने का भी एक तरीका होता है, और अगर गलत तरीके से आप पानी पी रहे हैं तो यह आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रही हैं, हम तो खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, चलते चलते पानी पी लेते हैं, बैठे बैठे पानी पी लेते हैं, जैसे जब मन चाहे प्यास लगे और हम पानी पी लेते हैं। क्या ये सही तरीका है पानी पीने का? और कहीं जिस तरीके से आप पानी पी रहे हैं वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? जी हाँ, चलिए इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी बन जाए ये किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि बिना जीवन आप बता साफ तौर पर देखते होंगे कि अगर जीवन की बात आ जाए तो पानी के बिना कल्पना की जा सकती है क्या? पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से भी हमें बचाने का काम करता है। पानी की एक साफ तौर पर अच्छाई हो तो बात की जाए, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये तो हम सुनते ही आए हैं। साथ ही हमारे शरीर में मौजूद गंदगी को भी साफ करता है। यानी कि पानी सिर्फ साफ तौर पर दिखी हुई चीजों को ही साफ नहीं, आपके अंदर जो आपको पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं उनकी भी सफाई ये पानी ही करता है। जी हाँ, आपको बता दें दिन भर आपको तरोताजा रखने के लिए भी पानी ही मदद करता है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अच्छी सेहत के लिए दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना जरूरी हो जाता है। सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पानी पीना आपकी प्यास बुझाने तक तो ठीक है, लेकिन क्या जिस तरीके से आप पानी पी रहे हैं क्या वो तरीका सही है? कहीं वो तरीका गलत होने के कारण आपका पानी पीना आपके लिए जानलेवा तो नहीं हो रहा है? चलिए जान लेते हैं। पानी पीने का सही तरीका भी उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है जितना पानी पीना। आपको बता दें कि किस तरह से आप पानी पी रहे हैं, कहीं गलत तरीके से आप पानी नहीं पी रहे जिसकी वजह से आपको ये नुकसानदायक भी होता है। ज्यादातर लोगों में सबसे बुरी आदत होती है कि वो खड़े होकर पानी पी लेते हैं। लोग जल्दबाजी में कई बार खड़े खड़े पानी पीते निकल जाते हैं। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो अभी से आपको संभल जाने की जरूरत है। हमने आयुर्वेद से कई तरह की जानकारी प्राप्त की और आयुर्वेद ने हमें वो जानकारी दी जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। खड़े होकर पानी पीने से ये सीधे अंदर जाता है, इसीलिए आवश्यक पौष्टिक तत्व और विटामिन लीवर और पाचन तंत्र तक नहीं पहुंच पाते। इससे आप जाने अनजाने में कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव लीवर और किडनी, यहां तक कि जोड़ों पर पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही इसके बुरे प्रभावों को जानकर अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सके। हमने NCBI की एक रिपोर्ट देखी, उस रिसर्च में हमने पाया कि खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर को सही तरह से पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। पानी हमारे सिस्टम से होते हुए बहुत तेजी से गुजरता है। कभी आपने अगर ये फील किया होगा तो आप भी जानते होंगे कि अगर आपने जल्दबाजी में, आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आपने जिस तरीके से पानी पिया, खड़े होके गटागट पानी आप पीते चले गए, तो आप अपने शरीर के अंदर उस पानी के जाते बहाव को फील कर पाए होंगे, किस तरीके से नलियों से गुजरता हुआ वो पानी आपको फील हुआ होगा। इससे हमारे फेफड़ों और हृदय को काफी नुकसान पहुंचता है, क्या आप ये जानते हैं? क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से फूड और विंड पाइप में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, खड़े होकर पानी पीने का बुरा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि इस तरह पानी पीने से ये तेज गति से भोजन नली से होते हुए सीधे पेट के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है और दीवारों पर अधिक दबाव बनाता है जो हानिकारक साबित हो जाती है। इससे तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ जाता है और टॉक्सिन्स व बदहजमी बढ़ जाती है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पता है क्या होता है, ये बिना फिल्टर हुए नेचुरल पेट की तरह तेजी से बढ़ता है। ये पानी में जमा अशुद्धियों को ले जाता है और आपको बता दें कि ये प्रतिष्ठा में जमा हो जाता है जो किडनी के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। खड़े होकर पानी पीने से ये शरीर से होकर जोड़ों में जमा हो जाता है जो हड्डियों और जोड़ों को खतरे में डाल सकता है।
इस बात पर साफ तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि खड़े होकर पानी पीने से आपका तनाव भी बढ़ जाता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आप कुछ भी बता देती हैं कि पानी पीने से, वो भी खड़े होकर पानी पीने से, क्या भला किसी का तनाव बढ़ सकता है। चलिए आपको बता देते हैं कि खड़े होकर पानी अगर आप पीते हैं तो ये सीधा आपके साफ तौर पर तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, जो कि आपके दिमाग पर प्रभाव डालती है, जो एक टेंशन का कारण बन जाता है। और पानी किस तरीके से आपके मानसिक संतुलन को खराब करता है अगर आपका तरीका गलत है पानी पीने का, तो आज से ही पानी पीने का तरीका सुधार लें। बैठकर आराम से इत्मीनान से अपनी प्यास बुझाएं, पानी पिए, उसके बाद अपनी साफ तौर पर स्वास्थ्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।